नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। इस मौके पर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जमुई जिले के सिमुलतला विद्यालय की पूजा कुमारी और शुभदर्शनी ने और सहरसा के रहने वाले संदीप कुमार 484 अंक लाके प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि कुल टॉप 10 में 101 परीक्षार्थी शामिल है। जमुई जिले के पूजा कुमारी, शुभदर्शनी और संदीप कुमार सहरसा के जो 96.8% लाकर प्रथम स्थान हासिल किए हैं। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना काल में सबसे पहले परीक्षा लिया और रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया। आपको बताते हैं कि कौन किस जिले से और कितना परीक्षार्थी पास हुए हैं, कितना छात्रा पास हुई है, कितनी छात्राएं प्रथम स्थान लाई है, कितनी छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से पास की है, कितने द्वितीय और कितना तृतीय, आपको इस वीडियो में बताते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रिजल्ट को प्रकाशित किया। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इस बार कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र थे। मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक पूरा किया गया। इसके बाद टॉपर का वेरिफिकेशन भी किया गया। रविवार को बिहार बोर्ड ने टॉपर वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट तैयार करने का काम पूरा कर लिया था। कंप्यूटर पर मार्क्स भी पहले फीड किए जा चुके थे। गौरतलब है कि मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट से पहले बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 26 मार्च को जारी किया था। करीब 78% स्टूडेंट पास हुए थे। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी हुआ है जिसके बाद से अक्सर ऐसे छात्र हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं, वे अपना स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्र ऑनलाइन स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 70 रुपये प्रति विषय की फीस देनी होगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 से इस सिमुलतला विद्यालय में से कुल 115 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिसमें 78 छात्रा और 57 छात्राएँ थी। छात्र छात्राओं स्कूल प्रशासन का मानना है कि इस साल स्कूल टॉपर लिस्ट में बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कुल प्रथम श्रेणी से 2,47,496 छात्र पास हुए थे। वही छात्रा की बात करें तो 1,65,591 छात्रा प्रथम श्रेणी से पास हुए। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी से छात्र की संख्या 2,58,713 है और छात्रा की संख्या 2,41,902 है। तृतीय श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी से छात्र 1,70,132 है। वही छात्रा की संख्या 2,08,848 है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परीक्षाफल इस 2021 में 5 अप्रैल को जारी किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले 6 अप्रैल को जारी किया गया था 2019 में। वही 9 वर्षों की बात करें तो 2013 में 5 जून को रिजल्ट जारी किया गया था। 2014 की बात करें तो 5 जून को 2014 में, 2015 में 20 जून को, 2016 में 29 मई को, 2017 में 22 जून को, 2018 में 26 जून को, 2019 में 6 अप्रैल को, 2020 में 26 मई को और 2021 में 5 अप्रैल को रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना काल में सबसे पहले रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया है, जिसमें लड़कियां ने बाजी मारी है। सिमुलतला जमुई विश्वविद्यालय से 2 परीक्षार्थी प्रथम मतलब टॉप की है, जिनका नाम पूजा और शुभदर्शनी है। आपको बता दें कि करोड़ों OMR सीट जांच करते हुए रिकॉर्ड 25 दिनों में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने प्रकाशित कर दिया, जो पूरे देश में एक रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2021 इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा ससमय आयोजित की गई थी। ऐसे में
अन्य राज्य की बोर्डों की परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डों द्वारा वार्षिक परीक्षाओं को अभी तक आयोजन नहीं किया गया है। देश में अब कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं को स्थगित भी कर दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी छात्राओं ने बाजी मार ली है, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा में छात्रा प्रथम स्थान प्राप्त की है। पूजा कुमारी जो सिबुलतला जमुई आवासीय विद्यालय की छात्रा है, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया है, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त की है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।